स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में कथित घोटाले का मामला सामने आया है, जहां मानकों को दरकिनार करके उस फर्म को टेंडर सौंप दिया गया जिसने नियमों को ताक पर रखकर सिरिंज और निडल की सप्लाई पशुपालन विभाग को दी है। बता दें कि जब टेंडर निकाला गया था उससे मैन्युफैक्चरर से सीधे सप्लाई की बात कही गई थी, लेकिन रोहित इंटरप्राइजेस को ये टेंडर मिला और उसने दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से माल लेकर पशुपालन विभाग को मानकों के विपरीत माल सप्लाई कर दिया। इस पूरे खेल में पशुपालन विभाग के निदेशक कार्पित सिंह का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर रोहित इंटरप्राइजेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये टेंडर सौंप दिया। बड़ी बात यह है कि सप्लाई किया हुआ माल अभी पशुपालन विभाग के गोदाम में रखा हुआ है। अगर सही से जांच की जाए तो सप्लाई किए माल की क्वालिटी सामने आ जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे कथित घोटाले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई है। वहीं देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिसको लेकर चक्रपाणि महाराज ने कहा है कि अगर सरकार कानून लाना चाहती है तो सबसे पहले समान नागरिक कानून सरकार लाए, तभी सबके साथ न्याय होगा और उसके बाद में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए लाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखा है और उन्होंने कहा है कि कोई जो एक बच्चे पैदा करेगा उसी को सरकारी सुविधाएं मिलेगी, उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, बाकी किसी को नहीं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर ये अगर जो किया जाता है, इसके पहले सबसे ज़रूरी है कि देश में समान नागरिक संहिता सिविल सबके लिए एक कानून की व्यवस्था किया जाए, समान नागरिक संहिता लागू की जाए, तभी जा करके सबके साथ न्याय होगा, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ज़रा सोचिए कि मुस्लिम वर्ग के लोग वो अपनी कानून की तरीके से जो उन्होंने संविधान में अधिकार मिला हुआ है, एक व्यक्ति एक मुस्लिम जो है चार शादियाँ कर ले है और हिंदू एक्ट में एक हिंदू एक ही शादी कर सकता है, दूसरा नहीं। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अगर हिंदू को दूसरी शादी करनी होती है तो कागजी रूप में वो इस्लाम स्वीकार करता है, उसके बाद दूसरी शादी करता है। उदाहरण स्वरूप अभिनेता जो धर्मेंद्र हैं, उनको हेमा मालिनी से शादी करना हो तो कागज में उन्होंने अपने को इस्लाम धर्म स्वीकार करके उन्होंने निकाह किया है। तो उसी प्रकार से ये अगर होता है तो जनसंख्या इस तरह नियंत्रण कानून बनता है और प्रदेश स्तर पे, तो ये ढाक के तीन पाग होगा, इसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हो जाता, जब तक सबके लिए सबकी एक कानून सबके लिए लागू ना कर दी जाए कि भाई हर व्यक्ति एक ही शादी करेगा। नहीं तो इसका परिणाम क्या होगा, हिंदू तो एक बच्चे पैदा करके अपनी नसबंदी करा लेगा कि हमें सरकारी सुविधाएँ मिलेगी, मुस्लिम करेंगे नहीं, और मुस्लिम एक जो है चार शादियां करेगा तो उसके तो चार बच्चे ऐसे ही हो जाएंगे, दूसरी तरफ हिंदू अपनी नसबंदी करा जाएगा तो हिंदुओं की संख्या तो ऐसे ही कम हो जाएगा। हरिओम। वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रत्येक जिले में विशेष निर्देश दिए गए हैं। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में सभी जनपदों में पीकू वार्ड बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में भी 47 बेड का पीकू वार्ड बनाया गया है। इन वार्ड में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं बच्चों को मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए आकर्षक पेंटिंग भी वार्ड में बनाई गई है। शासन की मंशा के अनुरूप हम लोगों ने 47 बिस्तर का पीकू वार्ड तैयार किया है। इसमें 14 बिस्तर विद वेंटिलेटर्स बच्चों के लिए हैं, बड़े बड़े बच्चों के लिए 10 बिस्तर SNCU हैं, दो साल से कम के बच्चों के लिए हैं, 23 बिस्तर HDU, जो बच्चे यहाँ से सही होते जाएंगे उनको हम उधर शिफ्ट करते चले जाएंगे उनके हिसाब से। इस तरह से हमारे यहाँ 47 बिस्तर पूरी तरह से तैयार हैं, हम पूरी तरीके से। देखिए, आज माननीय प्रभारी मंत्री जी का आज यहाँ पर निरीक्षण था हमारे अस्पताल में, वो COVID-19 के वैक्सीनेशन को लेके निरीक्षण करने आए थे। इसके दौरान उन्होंने संतुष्ट हुए वो COVID-19 का, जैसे अपने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था वो भी एकदम अच्छा था और बैठने की सभी लोगों की व्यवस्थाएं अच्छी पाई गई, अस्पताल परिसर की साफ़ सफाई अच्छी पाई गई और पुराने जो अस्पताल जो हमारे बने हुए हैं पीछे आवास जो हैं
उसके आसपास थोड़ी सी गंदगी पाएगी, तो माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि उसकी साफ़ सफाई अच्छे से और करा ली जाए। बाकी उन्होंने खुशी जाहिर की कि अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं अच्छे से हैं, और बाकी बाहर एक प्रतीक्षालय जो बनाया गया है उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा रोष जताया है उस पर, क्योंकि उसके जो पत्थर वगैरह हैं जो नीचे लगे हुए थे वो ख़राब हो गए थे। वो जो भी कार्यदायी संस्था है जिसने भी वो बनाया हुआ है प्रतीक्षालय, तो उसके वहीं कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी औरैया के एरवा कटरा पहुंचे, जहां उन्होंने एरवा कटरा ब्लॉक में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और इसके बाद कारागार मंत्री ने आवास लाभार्थियों को चेक बांटे और कहा कि सरकार गरीबों का पूरा ध्यान रखकर काम कर रही है। जिनके पास आवास नहीं है उन्हें आवास दिए जा रहे हैं। वहीं शौचालय का पैसा लोगों के खातों में सीधे पहुंच रहा है। जैकी ने आगे कहा कि आज के समय में बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं, उसी पर गेम खेलते हैं, लेकिन बच्चों को खेल के मैदान पर जाना चाहिए, वहां खेलने से मानसिक विकास होता है। क्षण यहाँ का हुआ, वैक्सीन का काम बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। मैंने देखा वहां बैठने की भी जगह बहुत अच्छे से उन्होंने किया, लाइनिंग थी, प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहे थे। मुझे लगता है COVID-19 के समय में यहाँ पर ठीक से काम हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी की जो मनसा है कि कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन से ना बचे, इसके लिए मुझे लगता है कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अच्छे से काम कर रहा है। औरैया जिले में पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। बारिश के चलते शहर के मुख्य मार्गों के अलावा सरकारी परिसरों में भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण कोतवाली के अंदर जल भराव हो गया है, जहां फरियादियों को अपनी शिकायतों को लेकर आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भैया बारिश से आ रहे हैं, किस तरीके से पानी भरा हुआ, कैसा आपको निकलना पड़ रहा, किस हिसाब से क्या परेशानी सामने भर रहे, क्या करोगे, बरसात है भैया, भर गया, दिक्कत है, बात पूरी वर्दी पर गई है। वहीं आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र रामपुर बढ़ौना गांव में एक वृद्ध की हत्या से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग अपने खेत की रखवाली करने के लिए ट्यूबवेल पर सो रहा था, जहां अज्ञात बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। सुबह एक सूचना मिली थी कि महेंद्र प्रताप सिंह नामक जो कि 55 वर्ष के वृद्ध थे, उनकी ट्यूबवेल के बाहर सोए हुए थे, उनकी हत्या हो गई है। उस पर पुलिस फोर्स वहाँ पर मौके पर पहुंचा था, डॉग स्क्वाड और फेल यूनिट भी मौके पर पहुंची थी। अभी इस घटना के मानने वाले का पता नहीं चला है और अज्ञात में मुकदमा लिखाया गया है। पूरी जानकारी की जा रही है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और जो परिजन हैं और जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, जल्दी से वर्कआउट करके अभियुक्तों को जेल भेजा। वहीं आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और प्रतिबंधित राइफल और सहित 4 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों विशाल नाम के युवक ने मोटरसाइकिल चोरी की FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश लगातार कर रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर करतालपुर चौराहे के पास से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। वाली पुलिस द्वारा एक मुखबिर की सूचना पर कि 2 शातिर चोर यहां से निकल रहे हैं, तो पुलिस द्वारा जो है वहां पर एम्बुश लगाया गया, तो करतालपुर की पुलिया पर 2 शातिर बदमाश वहां से मोटरसाइकिल से गुजरे, उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, तो दौरान पुलिस मुखबिर इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, इनके कब्जे से उसी वक्त 2 मोटरसाइकिल। वहीं आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील इलाके के करखिया मोड़ से रौनापुर सड़क की हालत बेहद खराब हो गई, और इसी को लेकर चांद पट्टी के लोगों ने बारिश की वजह से भरे पानी में धान की रोपाई कर दी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 2022 से पहले सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो चुनाव का बहिष्कार होगा। लोगों ने सड़क पर धान रोपाई करने के बाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं फतेहपुर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के अमौली कस्बा इलाके में तालाब के उफनाने से मोहल्ले के लोग काफी परेशान हो गए हैं। पानी भरने से 2 दर्जन से ज्यादा घर प्रभावित हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाने से काफी समस्याएं हो रही हैं।
जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी व्याप्त है। मकान के भीतर तक पानी घुस गया, अब कोई भी अधिकारी यहाँ अभी देखने नहीं आया है। रातों दिन पानी की बरखा हुई, अब मकान के भीतर पानी। वहीं सुल्तानपुर में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले 3 सालों से फरार चल रहे 25,000 के इनामिया लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देसी शराब के सेल्समैन को गोली मारकर लूट सहित करीब 11 मामले में बदमाश वांछित चल रहा था। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने अजय देव शुक्ला उर्फ सूर्य भान को जयसिंहपुर कोतवाली के बरौंसा से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। आज एक ये थाना जयसिंहपुर और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा एक इनामिया अपराधी है, 25,000 का इनामिया था अजय देव शुक्ला, काफ़ी 3 वर्षों से लगभग ये फरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसपे 11 अपराधी के इतिहास हैं इसके, और इस पर जो ये घटना हुई थी 2018 में यहाँ पे बगिया किराए पे इसने अपने साथियों के साथ मिलके एक हत्या सहित लूट किया था और उस पर अपराध पंजीकृत किया गया था। रुक करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की तरफ। दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयर की स्थापना की गई है। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों, आदर्शों और जीवन दर्शन पर शोध कार्य संचालित किए गए हैं, जिससे राज्य के अनुसूचित जातियों, महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों के साथ ही समाज के अन्य वंचित वर्गों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण को संभव किया जा सकेगा। आयोजित किए गए कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। की बात है कि अंबेडकर चेयर 5 वर्ष के लिए यह मिली है, जिसमें बच्चे अंबेडकर पर शोध करके यहाँ सामाजिक न्याय, उन्हें यहाँ के जो हमारे एससी और एसटी के लोग हैं उन्हें सामाजिक न्याय कैसे मिले, वो समाज में कैसे एक साथ मिलके कार्य करें, बच्चे पढ़ लिख के अच्छी अच्छी नौकरियों पे जाएं, अपने व्यापार करें, यही मकसद है इस अंबेडकर चेयर का। बाकी तो यूनिवर्सिटी में अन्य कोर्स चल रहे हैं, उसके माध्यम से भी हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण करेंगे। और सबसे पहले तो केंद्र सरकार के जो हमारे मंत्री हैं और थावरचंद गहलोत जी के समय में इसकी शुरुआत हुई, उन्होंने ही इसको एक उसके रूप में लिया कि यहाँ पर चेयर स्थापना करनी है। निश्चित रूप से ऐसे हमारे छात्र छात्राएँ जो आज समाज जीवन के हर क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, अनुसंधान में भाग लेना चाहते हैं, अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में जाने के लिए ये चेयर और इसके द्वारा जो भी संसाधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे। संयुक्त जिला चिकित्सालय मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून स्कूल ओल्ड बॉयज सोसाइटी की तरफ से स्थापित करवाए गए 500 LPM ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार तीसरी लहर से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और इसी कड़ी में आज मसूरी में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने बताया कि मसूरी में ऑक्सीजन प्लांट लगने से यहां के लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। वहीं जिला चिकित्सालय को हर आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, और तीसरी लहर को लेकर सरकार लगातार चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का काम कर रही है। मसूरी की स्वास्थ्य सेवाओं को जो दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। मैंने कोरोना 2 में हमने देखा किस प्रकार की दिक्कतें पूरे प्रदेश में आई, मसूरी में भी आई। यहाँ पर जब हमने ICU चालू किया तो ऑक्सीजन के सिलेंडर कंसंट्रेटर हमें देहरादून से भेजने पड़े, तो हमने उस टाइम संकल्प लिया था कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ दूर स्कूल पूर्व छात्र के एसोसिएशन का, जब हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट की। वहीं प्रदेश में बालक और बालिकाओं के बीच लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने आज हरिद्वार पहुंचकर नवजात बालिकाओं की माताओं को महालक्ष्मी किट बांटी है। इस किट में बच्चे के जन्म के दौरान और उसके पालन पोषण के लिए उपयोगी सामान शामिल है। कार्यक्रम में 100 महिलाओं को किट दी गई है। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि बच्चों के पालन के लिए महालक्ष्मी किट वितरित की जा रही है, जो महिलाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। वहीं प्रदेश में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
देखिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में अपने आप में इतना करंट है कि महिलाएं इसे प्राप्त करते हुए अपने आप ही गौरवान्वित महसूस कर रही है, अपने आप ही उनके अंदर एक खुशी है और वो सरकार को धन्यवाद कर रही हैं कि क्योंकि प्रसव के उपरांत में उसको जिस चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो चीज़ें उस समय उनके परिजन जो है भागते भूगते लेकर आते हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए तत्काल उसी समय जो है महालक्ष्मी किट की व्यवस्था करके दे दी है, जिसमें माँ से जुड़ी हुई भी और बच्ची से जुड़ी हुई सारी जो सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसका एक पूरा संकलन है। एसपीसीटी ने बताया कि कावड़ यात्रा रद्द होने के बाद सख्ती बढ़ाई गई है। इसके साथ ही जिले के 4 सुपर जोन, 18 जोन और 41 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि सबसे मुख्य चिड़ियापुर का बॉर्डर है, जहां एक सीओ, 2 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर के अलावा पीएसी की तैनाती भी की गई है। बॉर्डर पर आने वाले कावड़ यात्रियों को बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है और साथ ही अन्य जरूरी कार्यों से आने वाले व्यक्तियों की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रेशन की जांच भी की जा रही है। बिना जांच के किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए चूंकि कावड़ इस बार शासन के द्वारा प्रतिबंधित की गई है, तो इसमें एसएसपी सर के निर्देशानुसार हमने इसको पूरे अपना जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है इसको 4 सुपर जोन, 18 जोन्स और 41 सेक्टर्स में बांटा है। उसमें हमने एक वहाँ पे सीओ दे रखे हैं और साथ में वहाँ पे 2 इंस्पेक्टर्स के साथ वहाँ पे 4 सब इंस्पेक्टर्स और वहाँ पे पीएसी और बाहर से जो फोर्स आया है वो भी लगा है और वो दिन रात की ड्यूटी दे रहा है। उसमें बेसिकली ये है कि हम उनका आरटीपीसीआर जो बाहर से आ रहे हैं स्टेट से, हम उनका आरटीपीसीआर चेक कर रहे हैं और साथ में ये भी देख रहे हैं कि उनका यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं उन्हीं को हम उसमें एंट्री दे रहे हैं, उसके अगर वो नहीं है तो उनको वापसी किया जा रहा है और इसके अंतर्गत हर दिन इसमें कार्रवाई चल रही है। वहीं नैनीताल में आशा बहुओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि आशा बहु सुबह से ही 43 गांधी पूर्ति के पास एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कमला गुंजवाल ने कहा है कि जो सरकार द्वारा 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उससे अधिक की मंत्री एक समय की चाय पी जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आशा बहुओं ने जमकर काम किए हैं, उसके बाद भी आशा बहुओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारा ये जो आंदोलन है, हम लोग जो रखे गए थे मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु दर में कमी करने के लिए रखे गए थे, जो कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मातृ मृत्यु शिशु दर में कमी आई है। लेकिन आज समय ये हो गया है कि आज सरकार हमारे ऊपर काम तो थोपे जा रही है लेकिन मानदेय के बारे में सोचने को बिल्कुल भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और काम तो बढ़ा है लेकिन दाम उसका कुछ नहीं बढ़ा है। हम शुरू से 200-400 में काम कर रहे हैं तो आज भी 15 साल हम लोगों को काम करते हुए आज भी वही पैसा हमको दिया जा रहा है। 2 साल हुए हैं सिर्फ हमें 2000। वही सिटकुल क्षेत्र में गला रेत कर की गई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया है कि 24 जुलाई को देर शाम थाना सिटकुल क्षेत्र में महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल करते हुए अभियुक्त राजेश को एसओजी और थाना पुलिस ने फूलबेहड़ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त ने बताया है कि पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध होने को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। के द्वारा बताया गया कि महिला जो है ये राजकुमारी है, पिछले 2-3 महीने से वही एकमपुर में ही एक किराए के एक मकान में रहती थी और उस दिन इसका और इसके हस्बैंड का विवाद हुआ। इसका हस्बैंड जो राजेश है वो यहीं पे कार्य करता है सिटकुल फैक्ट्री में और वो मूलतः वो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है और उसने ही इसको मारा, उस महिला की वहीं पे उसने हत्या कर दी थी। नेक में बहुत शार्प इंजरी थी तो बॉडी को तत्काल ही पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। और फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।